हम भी दिखा देंगे उनको फिर इस तरह के कानून हमारी किस तरह से एकता है वो भी हम दिखा देंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये कानून नहीं हटेगा, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी बच्चों के हिस्सा लेते रहेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आंदोलन करते ही रहेंगे जब तक ये हटेगा नहीं। अरे मनुवादियों के खिलाफ, इनकलाब, हम क्या चाहते हैं आजादी, हम क्या चाहते हैं आजादी, की तमन्ना हमारे दिल में है, लेके लेंगे तो मर के लेंगे। और TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है, मैं हूँ रियाज शेख। NRC और CA के विरोध में जहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है, धरना दिया जा रहा है, जो अपने मजहब को भी चाहता है उतना ही वो अपने देश को और संविधान को भी चाहता है, तो आज मुस्लिम समाज जो बड़ी संख्या में मैदान में उतरा है ये संविधान को बचाने के लिए उतरा है, ये जिम्मेदारी है मुस्लिम समाज की। और मैं तमाम हिंदू समाज, सिख, आदिवासी, OBC इन भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वे कांधे से कांधा लगाकर हमारे साथ में है। गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। जमहूरियत में एक इंच नहीं, कई फुट आगे भी जाना पड़ता है और कई फुट पीछे भी जाना पड़ता है। बात करेंगे और उनकी लेंगे राय। मेरे साथ बने रहिए हमेशा आखिरी तक और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहली महिला से, आपका नाम क्या है? समीना मुजीब। समीना जी, यहाँ किस लिए आप संविधान चौक पर आए हैं? हम CAA, NRC और NPR की जो लगाया गया है हम पे, जो नाजायज़ है हम लोग पे, इसके विरोध में हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। और अगर नहीं, ये CA NRC अगर वापस नहीं होता तो आप क्या इसके बाद क्या? हम तो मर के मर जाएंगे, लेकिन ये वापस उनको लेना ही होगा क्योंकि हमने उन्हें जिता कर लाया है और ये हमारा हक है। नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री जी अमित शाह को हमने जिता के लाया है, एक महिला की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। आइए हम बात करते हैं दूसरी महिला की ओर। क्या नूरी नाम बोल रहे? नूरी खान। क्या क्या बोलना हम चाहिए? संविधान चौक पे आए NRC के लिए, ये NRC होना नहीं चाहिए, हमने उसको अच्छे के लिए चुन के लाया था, ये हमने खड़ा कर दिया है संविधान चौक पे लेडीजों को। अमित शाह तो बोलते हैं कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम मर जाएंगे मगर NRC होने नहीं देंगे। हम मर जाएंगे मगर NRC नहीं होने देंगे। आइए फिर बात करते हैं, आपका नाम? मदीना। क्या कहना चाहते हैं? NRC होना नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे पर NRC नहीं होने देंगे, समझे? मोदी को हमारे जैसा चुन के आया है, वो काहे के लिए आगे बढ़ेगा, हम बच्चे छोड़ के यहाँ आके बैठे। और अगर उन्होंने वापस नहीं लिया तो लेना पड़ेगा, हम मर जाएंगे उसके लिए, पर NRC होने नहीं देंगे, एक साथ है हम। शाहीन वापस नहीं लिया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर मैं शाहीनबाग की बात करूं, शाहीनबाग में जो महिलाएं बैठी है छोटे छोटे बच्चों को लेकर, तो क्या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दिल्ली? उनके लिए भी यही मैसेज है कि भाई दिल्ली में जो सरकार बैठी है उन्हें हमारा सब सुनना चाहिए, हमारे बात पे अमल करना चाहिए, हमको फैसला देना चाहिए, हम NRC नहीं, हम उनके साथ है, हम सब उनके साथ है, शाहीनबाग वालों के साथ है। NRC वापस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हम अपनी जान देंगे। कुर्बानी रायगा नहीं जानी चाहिए। शाहीनबाग की जो लेडीज हैं उनको हमारी तरफ से सैल्यूट है, वो पूरी देश के लिए इंस्पिरेशन है, उनको देखकर आज हम यहाँ जमा हो रहे हैं। वो औरतें पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ नॉट फॉर हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनी हुई है और इतिहास में उनका नाम जब जब इस चीज के लिए बनेगा आएगा। और मोदी, आप एक बात ये समझ लो कि आप बहुमत से चुनकर आए थे, किसी एक संगठन के द्वारा चुनकर नहीं आए थे, आप बहुमत से चुनकर आए थे, हमने आपको मुखिया चुना था। और मुखिया कैसा होता है? जो पूरे घर को लेके चलता है, सिर्फ ये नहीं कि जो कमजोर है, जो ताकतवर है उसको लेके चलता है और कमजोरों को छोड़ देता है। तो ये जो सरकार है ना, सिर्फ ताकतवरों की है, ये जो पैसे वाले हैं उनको लेके चलने वाली है, तो हम इसके खिलाफ है। और इसी के लिए मैं 4 अशार कहूंगी कि हर जुल्म का पंजा मोड़ेंगे, हर हाल सितम का तोड़ेंगे, ऐ फिर का परस्तो याद रखो, इस देश को हम ना छोड़ेंगे। इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ ये रैली, ये गिट्टी का चौक से रैली निकली है और संविधान चौक पहुंच चुकी है।
या पूरी पुलिस प्रोटेक्शन पूरी तरह से यहाँ पर लगाया गया है। और ये विकास जी हमारे साथ है, विकास आमदर जी। विकास जी, आपका TNN24 न्यूज़ में हमेशा स्वागत रहता है और आज भी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे NRC और CAA को लेकर? मुझे लगता है कि ये जनसैलाब देख रहे हैं और ये CAA NRC के खिलाफ का है। नरेंद्र मोदी जी अभी भी नींद से जागने को होना और इस देश की जनता को न्याय दिलाने को होना, देश की जनता का इधर ध्यान दूसरी तरफ नहीं बहकाते हुए उन्होंने इसके ऊपर निर्णय लेने को होना। गृहमंत्री जी तो कहते हैं कि 1 इंच भी पीछे नहीं लेंगे तो क्या करना, क्या अब ये देश की जनता है, इस रास्ते पे उतरी हुई है। अगर देश में अशांति रखना चाहते हैं तो ये कदम लेंगे, मगर मुझे लगता है कि ये जो माहौल दिख रहा है ये बढ़ने वाला माहौल है, ये कम होने वाला माहौल नहीं है, तो इसमें देश में शांति नहीं रहेगी। ये थे हमारे साथ में पश्चिम के आमदार विकास ठाकरे जी। ये मामला, विकास ठाकरे जी का ये कहना है कि ये मामला शांत नहीं होगा, ये मामला आगे बढ़ता रहेगा। और यहाँ अगर प्रकाश मामा गजबी है और विकास ठाकरे जी आमदार और सभी मान्यवर लोग जो यहाँ उपस्थित है, अभी थोड़ी देर में यहाँ से कार्यक्रम शुरू होगा और डेपोटेशन दिया जाएगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN24 न्यूज़ रिया शेख के साथ। दोस्तों, हमें देश को भी बचाना है, हमें संविधान को भी बचाना है। चलते चलते मैं आपके से दो और बातें कह देना चाहूँगा। आपने राहत इंदौरी का वो शेर सुना होगा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी जमीन दास्तान थोड़ी है, मोदी के पास में खानदान थोड़ी है। यह हकीकत। हमारे पुलिस निरीक्षक साहब आदरणीय गांगोले जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ, जिन्होंने दीजिए भाई। उसके साथ में हमारे DCP मसालभूषण कुमार उपाध्याय साहब और तमाम के साथ में हमारे बीच में मौजूद, जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट में हमको बहुत कोऑपरेट किया, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि विकास भाव गिट्टी खदान से लेकर संविधान चौक तक के पैदल इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ में शामिल हुए। लीजिए, अब मैं नारों के साथ में नारे लगाता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ। इनकलाब, इनकलाब, भारत का संविधान जिंदाबाद, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो भी जाना है, वो कस्तूर के हमारे आमदार विकास भाव ठाकरे का विचार रखे यहाँ पर। इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, आप सभी को मालूम है CAA क्या है, NRC क्या है, और मुझे लगता है यहाँ बैठी हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहना है, इन्हें सबसे ज़्यादा अच्छा मालूम है कि ये कानून क्या है, क्योंकि मैंने उस दिन जाफर नगर के ग्राउंड पर यहाँ की महिलाओं का भाषण सुना था और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस CAA और NRC का यहाँ पर क्या परिणाम इस देश की जनता पर होगा यह बताएगा। अब आप इस अमित शाह नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं कि इनका काम क्या है, देश में अशांति फैलाना, देश में दो फाड़ करना, और इस देश की जो जनता है, जो जनता आज बेरोजगारी से तरस रही है, महंगाई से तरस रही है, इन जनता का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करना, यह इनका असली काम है दोस्तों। मगर अपन ने ये छोड़ने का नहीं। नमस्कार, TNN24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ रिया शेख। हम इस समय संविधान चौक पे हैं, जो गिट्टी खदान चौक से अवस्थी नगर चौक होते हुए ये रैली संविधान चौक पहुंची थी। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समाज के लोग उपस्थित थे और इस रैली को अभी समाप्त किया गया है। मेरे साथ में आरिफ भाई है, जिन्होंने इस रैली का आयोजन किया था, इनके भी साथियों ने, हम उन्हीं से बात करते हैं। आरिफ भाई, TNN24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहते कि ये NRC, NPR और CAA ये हटाना चाहिए उसने, नहीं तो अपना पद छोड़ देना चाहिए। हमारे साथ कुछ बहनें हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कनीज फातिमा है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये मोदी सर जो ये सब लागू किए हैं, तो ये सिर्फ देश की सत्ता है उनके हाथ में, देश उनका नहीं है, देश में हमारा भी खून है। हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के आज़ादी के लिए लड़े हैं, हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं। इसका मतलब क्या हमको ये देश से भगा देंगे इस तरह के कानून डालकर?
और एक ये अपने दूसरे मुद्दों को छुपाकर इस तरह के मुद्दे डाल के आपसी हम लोगों को लड़ाना चाहते हैं और हमको अलग अलग करना चाहते हैं। 7 फरवरी है, कल ही की बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया है कि मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? तो इस तरह से हमको फिर लिखित में दीजिए, इस तरह से हमको लिखित में दीजिए कि हम बिल्कुल हटा रहे हैं और मुसलमान बिल्कुल सेफ है इंडिया में, ये भारत हमारा भी है। अच्छा, सिर्फ इन लोगों का नहीं है। आप एक महिला है, मैं महिला के तालुक से एक बात करूंगा आपसे। शाहीन बाग में छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं अपना प्रोटेस्ट कर रही है, कहा जा रहा है कि 500-500 रुपए देकर उनको वहां बिठाया गया है, ये सब गलत बात है। कौन देगा 500-500 रुपए? किसके पास इतना वो है कि 500-500 रुपए देकर किसी को लाएंगे? सब झूठ है। हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक के लिए हक रहे, अपने संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। सरकार ने नोटबंदी की, हम चुप रहे। इन लोगों ने GST लगाया, चुप रहे। इन्होंने हमारे शरीयत के कानून साथ खिलवाड़ किया, हम चुप रहे। इन्होंने 370 की धारा के नाम पर कश्मीर को जन्नत से दोजख बनाया, हम चुप रहे। इन्होंने मॉब ब्लिचिंग के नाम पे तबरेज को मारा, हम चुप रहे। लेकिन बात आज आ गई है हमारी नागरिकता पर, हमारे अस्तित्व पर। यह हमारी हक की लड़ाई है, हमारे वजूद की लड़ाई है, हमारे संविधान की लड़ाई। आज अगर वो बोलता है कि हमने NCR वापस लिया, तो जिस तरह तुमने पार्लियामेंट में CA और NCR लाए, वैसे लिखित में हमको दो। तुम जुमलेबाज सरकार हो, तुम झूठ सरकारों, तुम्हारे ऊपर हम जरा सा भी भरोसा नहीं कर सकते। और ये पूरे जब हमारी नकाब वाली औरतें बाहर निकली तो रजिया सुल्तान और झांसी की रानी बन गई और बन सकती है। और ये कहते हैं कि हमसे नागरिकता पूछते, तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ, हमारी नागरिकता है 1857 का वो गदर, जब हमारे मंगल पांडे ने आवाज उठाया और उसके साथ में कई लोगों ने अपनी आवाज मिलाई थी। आपसे कि मेरा आखिरी प्रश्न रहेगा, मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि इसी तरीके से सरकार अगर बात नहीं मानती है और NRC और CA वापस नहीं लेती है, तो अगला स्टेप क्या रहेगा आप लोग? बस यही रहेगा कि हम जैसे वो अपना अपने इससे इंच भर पीछे नहीं हटेंगे, तो हम अपने इससे आधा इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर गृह मंत्री जी अगर एक इंच पीछे नहीं हटते हैं, तो हम भी आधा इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये मोहतरमा ने आज कैमरामैन संजय तिवारी के साथ रिया शेख, TNN 24 न्यूज़।